भारतीय सेना के नेतृत्व प्रदान करने की बात आती है तो कोड़ा देश मदप्पा करियप्पा का नाम सबसे पहले लिया जाता है। वो भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ थे। 1944 में करियप्पा लेफ्टिनेंट कर्नल का पद पाने वाले पहले भारतीय अफसर बने। फील्ड मार्शल के एम करियप्पा के आर्मी कमांडर इन चीफ बनने के कई दिलचस्प किस्से हैं। बात 1964 की है, जब अंतरिम सरकार में रहे रक्षा मंत्री बलदेव सिंह ने उस समय के ब्रिगेडियर पद पर काम कर रहे नाथू सिंह को भारत का पहला कमांडर इन चीफ बनाने की पेशकश की। कहते हैं कि नाथू सिंह ने उस समय विनम्रतापूर्वक इस पेशकश को स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि उनका मानना था वरिष्ठ होने के कारण करियप्पा का उस पद पर अधिक दावा और अधिकार बनता है। नाथू सिंह के बाद राजेंद्र सिंह जी को भी यह पद देने की पेशकश हुई, लेकिन उन्होंने भी करियप्पा का सम्मान में उस पद को स्वीकार नहीं किया। तब जाकर 4 दिसंबर 1948 को करियप्पा को सेना का पहला भारतीय कमांडर इन चीफ बनाया गया। 15 जनवरी 1949 को उन्होंने पद ग्रहण किया। तब से लेकर आज तक इस दिन को आर्मी डे के रूप में मनाया जाता है। अमेजिंग हिडन फैक्ट्स जानने के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें।